वन वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। विंटर्स टाइम मैनेजमेंट हो या फिर मेरी विंटर रूटीन, या फिर सवाल हो कि क्या विंटर्स में भी हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं है जो समर्स में हम करते हैं लेकिन विंटर्स में नहीं। जब बच्चों का स्कूल जाना, कुकिंग, लॉन्ड्री, क्लीनिंग सब काम सेम ही होते हैं, तो फिर विंटर्स में दिन की शुरुआत भी सेम टाइम पे ही होनी चाहिए। मुझे पूछा जा रहा है कि विंटर्स में मेरा वेकअप टाइम क्या है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समर्स में मैं 4:30 पे उठ जाती हूँ और आजकल विंटर्स में 5 बजे से 5-10 मिनट पहले ही मेरी मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि समर्स में मैं छत पे चली जाती हूँ डीप ब्रीदिंग के लिए और विंटर्स में ठंड की वजह से नहीं जा पाती। और आजकल तो वैसे भी धूप का ना निकलना और फॉग इतनी पड़ रही है कि टेम्परेचर काफ़ी लो जा चुका है। लेकिन मौसम कोई भी हो, अगर दिन की शुरुआत लेट होगी तो ऑब्वियसली आपका दिन प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकता। विंटर्स में एयर काफ़ी ड्राई होती है, इसीलिए आपकी स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए सुबह उठ के पहला काम मेरा भी यही होता है कि पहले मैं अपने हैंड्स और फेस पे लोशन लगाती हूँ और उसके बाद तैयारी करती हूँ अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने की। विंटर्स में अगर ये काम रूम के अंदर ही किया जाए तो बेटर रहेगा। बाहर का मौसम एक तो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा क्योंकि बहुत ठंड है, और उतनी ठंडी हवा लंग्स में जाना भी ठीक नहीं है। सबसे पहले कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो कि टाइम टू टाइम मैं चेंज करती रहती हूँ, लेकिन 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट वे टू स्ट्रेच योर बॉडी। इससे इजीली आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाती है। और उसके बाद शुरू करती हूँ मैं प्राणायाम, जिसमें होती है सुदर्शन क्रिया। अपने लंग्स में ढेर सारी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बेस्ट क्रिया है। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मैंने किया था, उन्हीं से मैंने ये क्रिया सीखी थी और उसके बाद से लेके अब तक मैं इस क्रिया को करती हूँ। तो विंटर्स में जब हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि बॉडी सपोर्ट ही नहीं करती, तो योग कैसे करें या वर्कआउट कैसे करें, तो बॉडी तो कभी भी सपोर्ट नहीं करती, पूरी की पूरी गेम ही माइंड की है। जरूरत है तो सिर्फ हल्का सा पुश देने की। उसके बाद बारी आती है उस नेचर का शुक्र करने की। जो भी कुछ उसने दिया है वो बेशकीमती है। मैं यहाँ मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बॉडी उसने दी है एक्चुअल में वो प्राइसलेस है, और उसे ही हम सबसे ज़्यादा केयरलेसली यूज़ करते हैं। और अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी ना करने से इसे बीमारियों का घर बना लेते हैं। जब तक हम इस बॉडी की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक हमें एक्सरसाइज करने की इम्पोर्टेंस भी समझ में नहीं आ सकती। थोड़ी देर मेडिटेशन करके मैं खुद को और भी ज़्यादा शांत और स्ट्रांग फील करती हूँ। और इस पूरी रूटीन को फॉलो करने के लिए मुझे 40 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। और 6:15 तक मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि 7:10 तक उदय की बस आ जाती है। तो उससे पहले पहले मुझे ब्रेकफास्ट, उसका टिफ़िन सब रेडी करना होता है। और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं लंच भी साथ ही में रेडी कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिकल केटल में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे लेमन वाटर लेना है। और तब तक मैं लगा रही हूँ बर्तन जो रात को धो के रखे थे, जो ड्राई हो चुके होते हैं, तो सुबह सबसे पहले उनको लगा देते हैं। आप कितने बजे भी उठते हो, लेकिन सोचना ये है कि उसी टाइम से आपके वर्किंग आवर्स शुरू हो जाते हैं। सो सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ के फालतू गॉसिप्स को इग्नोर करके खुद को एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए बिजी कर लें, ताकि 1 by 1 आपके टू डू लिस्ट के सब काम खत्म हो जाएं। और अच्छे से कवर किया हो तो विंटर्स में भी दही काफ़ी अच्छा जम जाता है। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए लेमन वाटर। विंटर्स में लेमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो सीजन कोई भी हो, मेरी तो मॉर्निंग की शुरुआत ही लेमन वाटर से होती है। और पिछले 2 साल से तो आप भी मुझे लेमन वाटर पीते हुए देख रहे हो। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई होती तो मैं ज़रूर आपके साथ भी शेयर करती। आपकी स्किन और दूसरे यूजफुल टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए विटामिन सी आपको हर सीजन में चाहिए। और विंटर्स है ये सोच के पानी पीना भी कम ना कर दें, क्योंकि इस मौसम में स्वेट नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ यूरिन के थ्रू ही हमारा बॉडी वेस्ट बाहर जाता है। विंटर्स में भी एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर पीना जरूरी है। और फ्रिज से निकालनी है वो वेजिटेबल जो मैंने रात को ही चॉप करके रखी थी, तो ये है गाजर, और साथ ही में ये पीस मम्मा ने छील के धो के रख दिए थे, इनको भी फ्रीज नहीं किया है, और ये कुछ फ्रोजन पीस हैं। और साथ ही ये ब्रोकली है जिसको मैंने काट के ब्लांच कर लिया था और इसको फ्रीज कर लिया है। ब्रोकली वैसे भी बहुत जल्दी येलो हो जाती है, बट इस तरह रखने से वो काफ़ी लंबा टाइम चल जाती है। और जितने भी पीसीज आपको चाहिए आप आराम से निकाल सकते हैं और बहुत सारे मील्स में यूज़ कर सकते हैं। तब तक आप बाकी की तैयारी करें, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको साइड रखते हैं, जैसे कि मैंने फ्रोजन पीस में भी डाल दिया है। उदय के टिफ़िन के लिए प्लस हम सबके ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो सबसे पहले मैंने पोहा को गर्म पानी में थोड़ा सा डिप कर दिया था 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद इसको रख दिया छन्नी में निकाल के। और साथ ही रेडी करेंगे हम तड़का। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और साथ ही ऐड कर दी है उसमें थोड़ी सी राई। अब वेजिटेबल्स डालती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने डाली है उसमें गाजर, और उसके बाद डाल दी हूँ कटी हुई शिमला मिर्च। साथ ही डाल देंगे ब्रोकली जो कि हमने पानी में डिप करके रखी थी, और मटर भी डाल दिए हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, और वैसे भी आजकल विंटर्स है तो बहुत सारी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। थोड़े से मशरूम डाल दिए हैं कटे हुए, ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, सबको थोड़ा सा मिला लेना है। उसके बाद डालेंगे सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सॉटे करेंगे इनको। सब्जियों को थोड़ा सा पकने दें, बहुत
ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त टाइम हो गया है 6:30। थोड़ी सी हमने ये घड़ी लाइक 10 मिनट्स हमने इसको आगे रखा हुआ है और बाहर का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी तक भी कितना अंधेरा है और हर तरफ फॉग ही फॉग नज़र आ रही है। और समर्स की बात करूँ तो इस वक्त तक मैं स्टफ़ी को वॉक से लेके वापस भी आ चुकी होती हूँ। और देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश नहीं, ओस की वजह से गीला है। और इतने में ही सब्जी पक चुकी थी तो मैंने आते ही डाल दिया इसमें पोहा। इन सब चीज़ों को बस अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें पनीर भी ऐड करूंगी इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। पोहा तो मिनटों में ही रेडी हो जाता है अगर वेजिटेबल्स आपने काट के रखी हैं तो। मेरे पास टाइम बचा हुआ है अभी, मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी लंच के लिए। सबसे पहले मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद छोटी इलायची और दालचीनी डाली है, जीरा डाल दिया है, धनिया डाला है, कटा हुआ लहसुन डाल दिया है, अब अनियंस डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको सॉटे कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें सीजनिंग, सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए टमाटर और ग्रीन चिलीज। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है आलू मटर की, हो सकता है आप इसी तरह से बनाते हो। सिर्फ मैंने इसमें छोटी इलायची और दालचीनी का फ्लेवर दिया है। दोनों ही चीज़ों का फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। शाही पनीर या फिर चिकन बनाना हो, मटर पनीर, एग करी, आलू मटर, इन सब चीज़ों में ही छोटी इलायची और दालचीनी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। टमाटर अच्छे से गल जाएँ उसके लिए थोड़ा सा पानी मैंने उसमें ऐड करके लिड लगा दिया था और उसके बाद मैं उसका पेस्ट बनाऊँगी। तक आलू काट लेते हैं। अगर उदय के टिफिन के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो जिसके लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो लंच के लिए जो भी चीज बनानी है वो फिर थोड़ा रुक के ही बनाती हूँ। तो टमाटर अब अच्छे से गल चुके हैं तो फटाफट से इसकी ग्रेवी बना लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू और मटर। मटर इसमें मैं फ्रोजन नहीं ऐड करूंगी, नॉर्मल मटर ही ऐड करूंगी, क्योंकि अगर फ्रोजन मटर हम प्रेशर कुकर में डाल के बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गल जाते हैं। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी भी इसमें ऐड करूंगी जिससे कि सब्जी जल्दी बन जाएगी। इसके बाद प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और एक विसल आने पर फ्लेम लो कर देंगे। 5 मिनट के बाद कर देंगे गैस बंद। लंच के लिए सब्जी अगर सुबह सुबह ही रेडी हो जाए तो लंच का 80% काम खत्म हो जाता है। उदय की बस आएगी 7:10 पे और अभी 7 भी नहीं बजे हैं और वो नीचे भी नहीं आया रेडी होके। तब तक मैं अपना फर्स्ट मील ले लूंगी बनाना। उठे हुए मुझे 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक मेरा पेट खाली है, तो बनाना लेना ही बेस्ट रहता है सुबह के टाइम पे। चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ। अब फटाफट से उदय का टिफिन भी पैक कर लेते हैं। आज वो बहुत एक्साइटेड भी है स्कूल जाने के लिए क्योंकि आज उसका लास्ट डे है स्कूल में विंटर ब्रेक से पहले। पोहा हम लोग खाते हैं लेमन और ब्लैक पेपर ऊपर से डाल के, लेकिन उदय को चाहिए होती है टोमेटो केचप। थोड़ी सी टोमेटो केचप भी उसको पोहा के साथ डाल दूंगी। और आपने देखा इस तरह से 7 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मील रेडी हो गए हैं, जो कि हम लेडीज के लिए मेन हेडेक का काम होता है। दोनों ही मील्स अगर अर्ली मॉर्निंग रेडी हो जाएं तो काफी हद तक काम कम हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा जोर देती हूँ कि अपने काम को लिखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कुकिंग का हो, क्लीनिंग का हो या फिर लॉन्ड्री पार्ट हो, क्योंकि कोई भी काम जब प्री डिसाइडेड होगा तभी वो प्री प्लान्ड होगा। उदय की बस आ गई थी और वो स्कूल जा चुका है। जो बर्तन मैंने कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं साथ के साथ उनको वॉश करके रख रही हूँ। आजकल सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में कुछ खा के नहीं जाता है। गर्मियाँ होती हैं तो मैं उसको स्मूदी बना के देती हूँ, लेकिन आजकल वो स्मूदी भी नहीं पीता है। आज मेरा प्लान है मैं पंजीरी लड्डू बनाऊंगी जो कि उसे पसंद भी हैं, और एक लड्डू खाने से मतलब आपका ब्रेकफास्ट हो गया। और इस क्लॉक के मुताबिक 7:20 हो गए हैं। बाहर लाइट तो हो गई है पर हल्की हल्की फॉग अभी भी है। न्यूज़पेपर आ गया है तो चलिए न्यूज़पेपर लेके अंदर चलते हैं और इसके बाद मैं लेके जाऊंगी स्टफ़ी को वॉक पे। स्टफ़ी मेरे रूम में ही सो रहा होता है। उसकी जैसे ब्रेन में क्लॉक लगी है, उसे पता चल जाता है कि अब मैं आने वाली हूँ और मेरी आहट वो पहचान लेता है। ओके, ओह गुड मॉर्निंग। चले घूमी घूमी चले। ऐसे वेदर में खुद को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, इसलिए अच्छी खासी हैवी वेट की जैकेट पहन के जाती हूँ। फोर्टी मिनट्स की वॉक के बाद मैं और स्टफ़ी वापस आ गए थे और आते ही मैंने अपना बेडरूम थोड़ा सेट किया। 8:30 के अराउंड हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दूध बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड और मदर के लिए। वो हल्दी डाल के दूध पियेंगे और मैं दूध नहीं पीती हूँ गाइस, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब लोग मुझे पूछते भी हैं कि मैम आपको दूध पीते हुए नहीं देखा। मैं या तो ग्रीन टी लेती हूँ या फिर कॉफ़ी पीती हूँ, और दूध की बजाय मैं दही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट के बाद डिशेस और किचन क्लीन करने का काम मम्मा का होता है, जो मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं दिया है।
एज उनकी 70+ है लेकिन वो बहुत काम करते हैं। उनका कहना है कि काम करती रहूंगी तो चलती फिरती रहूंगी, नहीं तो बिस्तर पे पड़ जाऊंगी। और उनका ये सोचना काफी हद तक सही भी है क्योंकि बॉडी को हम जिस तरह का बनाएं वो उसी तरह की बन जाती है। 8:30 to 9 ब्रेकफास्ट टाइम होता है और साथ साथ कुछ ना कुछ गपशप भी चलती रहती है। तो 9:30 के अराउंड मैं क्लीनिंग पार्ट शुरू करती हूँ। ट्यूजडे है तो ट्यूजडे को मैं मोस्टली कारपेट्स और रग्स वगैरह वैक्यूम करती हूँ, लेकिन अब विंटर्स हैं तो विंटर्स की वजह से बहुत ज्यादा डस्ट होती नहीं है। क्लीन चीजों को क्लीन करके अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डाइनिंग एरिया की डस्टिंग कर रही हूँ। घर छोटा हो या बड़ा, ईच एंड एवरी पार्ट की क्लीनिंग तभी पॉसिबल है अगर आपने डेज और एरिया पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं, और इस तरह काम करने से काम एक बर्डन नहीं लगता। और धूप निकलने के आज भी कोई आसार नहीं है, इसलिए लॉन्ड्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो लॉन्ड्री मैंने ऑलरेडी करके रखी है वो भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं जब उनको अंदर सुखाते हैं। तो साथ के साथ जितने सूखते जाते हैं उनको फोल्ड करके रखती जाती हूँ। कुछ कपड़ों को मम्मा नीचे फोल्ड कर रहे हैं, कुछ को मैं यहाँ ऊपर ले आई हूँ। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं वो शायद सोच भी रहे होंगे कि मैंने आज अपना वर्कआउट स्किप कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वीक में 5 डेज मैंने अपना वर्कआउट करना ही है, लेकिन हाँ उसका टाइम ज़रूर मैंने थोड़ा चेंज किया है, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बस अब कपड़े सेट करने के बाद मैं खुद की ड्राई क्लीनिंग करूंगी। आप सोचेंगे कि वो क्या होता है, यानी कि विंटर्स में जब आप शावर नहीं लेते हैं तो ड्राई क्लीनिंग ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन नहाना स्किप करती हूँ, आजकल मैंने वो टाइम अपना शाम को रख दिया है, और क्यों रखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और 11 बजे के अराउंड मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, तो इस टाइम का यूटिलाइज मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बस अब कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ी देर में अपना सोशल मीडिया चलाऊंगी, यानी कि जो मैसेजेस वगैरह आए होते हैं मैं उनको चेक कर लेती हूँ। इस टाइम पे स्पेशल टाइम को मैं अपने रूम में ही स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आज पंजीरी लड्डू बनाने हैं और लंच में अभी काफी टाइम बाकी है, तो पहले चलिए वही बना लेते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, और यहाँ पे मैंने आयरन की एक कढ़ाई ली और एक कटोरी डाली है उसमें खसखस। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जितनी भी चीजें ड्राई रोस्ट करने वाली हैं सबसे पहले हम उन्हीं को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिए हैं 2 कटोरी के अराउंड व्हाइट तिल। इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, या फिर जब तक इसमें क्रैकर्स ना आने लगे तब तक इसको रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का जब ये ब्राउन होने लगे तब इसको हम निकाल देंगे और साइड रखते जाएंगे। इसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला है 1/2 कटोरी के अराउंड जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ का पाउडर भी कहते हैं। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा लिया है, अगर मुझे कमी लगेगी तो मैं बाद में भी डाल सकती हूँ। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में देसी घी डाला है और मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो हर एक ड्राई फ्रूट को हमने 1 by 1 ही फ्राई करना है। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, जो मॉइस्चर इसमें होता है वो निकल जाता है और आपकी पिनियाँ काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती। 1.5 से 2 मिनट में ही बादाम फूलने लगेंगे और उसके बाद इनको निकाल देना है। उसके बाद उसी घी में मैंने डाल दिए हैं 1 कटोरी के अराउंड मेलन सीड्स, इनको भी अच्छे से रोस्ट करना है और उसके बाद निकाल देंगे। थोड़ी सी झाग भी आती है तो कोई बात नहीं, ये सारा का सारा घी आपको वैसे भी पीनियों के लिए चाहिए ही है। थोड़ा सा घी मैं और डाल रही हूँ क्योंकि कम पड़ रहा था। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं रेसिन्स, यानी कि किशमिश। थोड़ी सी फूल जाती है, ये बहुत अच्छी लगती है, तो इसको भी आप फ्राई कर लें। सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे, लेकिन रेसिन्स को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज ही डालेंगे। अब उसी घी में मैंने डाल दिया है गूंद कतीरा, ये भी हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, अदरवाइज ये कच्चा रह जाएगा। गूंद कतीरा भी रेसिन्स की तरह ही फूलने लगेगा और तब हमने इसको निकाल लेना है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। इसके बाद इसी घी में हमने फ्राई कर लेने हैं वॉलनट्स, यानी कि अखरोट। अब लास्ट में हम फ्राई करेंगे मखाना। तो जितना भी घी आपकी कढ़ाई में होगा सारा ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा घी उस टाइम बर्तन में ना हो, उतना ही रखें जितना कि फ्राई करने के लिए ज़रूरी हो। नॉर्मल स्नैक्स के लिए जब आप मखाना को रोस्ट करते हैं तो बिना घी के करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे सब चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो रेसिन्स को छोड़ के सबको अब हम ग्राइंड करते जाएंगे 1 by 1। बहुत ही स्पेशल लड्डू हैं, स्पेशली विंटर्स के लिए। कोई भी अनहेल्दी चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली है, बस इतना है कि इसमें देसी घी बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसलिए इनको खाना है पर इतनी क्वांटिटी में खाना है जितना आप उसको बर्न भी कर सकें, क्योंकि ये हाई कैलोरी लड्डू है। चाहिए हेल्दी भी हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी इसके साथ ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है।
अब ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड और मिक्स करने के बाद मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है। अब हम आटा रोस्ट करेंगे। उसमें 2 कटोरी के करीब मैंने आटा लिया है। घी आपको डालना पड़ेगा बार बार जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें इसे सूखा रोस्ट नहीं करना है। अगर सिर्फ पंजीरी बनानी हो तो आप थोड़ा सूखा भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं तो घी हमें इसमें अच्छा खासा चाहिए। आटा कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसको आपको अच्छे से ब्राउन करना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। कम से कम भी 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन भी हो चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है, तो ये पूरी तरह से रेडी है। अब इसको निकाल लेंगे हम किसी बर्तन में, क्योंकि अगर इसी में छोड़ेंगे तो क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये और भी रोस्ट होता रहेगा। तो अलग से मैं इसी किसी प्रात में निकाल लूंगी और उसमें ही डाल दूंगी सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स भी। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, इसलिए अपना हाथ बचा के रखें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी इसको हमने होने नहीं देना है। अब इसमें मैंने डाल दी है देसी खांड, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को वो शक्कर प्योर जो शक्कर मैं यूज़ करती हूँ मुझे मिली नहीं, इसीलिए मैंने देसी खांड का यूज़ किया है जो स्पेशली पंजीरी के लिए ही यूज़ की जाती है। इसी मोमेंट पे देसी घी में भून के मैंने और डाल दिया है सौंठ पाउडर, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा कम आ रहा था। अब बना लूंगी मैं लड्डू। पंजीरी लड्डू बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटे का टाइम लग गया था। अगर मम्मा यहाँ पे होते तो वो भी हेल्प कर देते तो और भी कम टाइम लगता, लेकिन उनको कहीं जाना पड़ गया था तो वो चले गए। लेकिन मेरे पास भी एक्स्ट्रा टाइम था तो उस टाइम को मैंने लड्डू बनाने के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो जैसे ही मेरा ये काम खत्म हुआ, लंच टाइम भी हो चुका था, आटा मैं रात को ही गूंद के रख लेती हूँ। और सब्जी आपने देखा मैंने सुबह बना ही ली थी, तो फटाफट चपातियाँ सेक लूंगी और सबको खाना सर्व करूंगी। फाइनली लंच पार्ट खत्म करके मैं पहुंच गई हूं अपने बेडरूम में। इससे काफ़ी टाइम पहले पहुंच जाती हूं, लेकिन आज पंजीरी लड्डू बनाने के चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में अपनी बुक रीडिंग करूंगी, उसके बाद अगर कुछ लिखने का काम है तो वो करूंगी, फिर नैप लूंगी और फिर मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। नैप लेने के बाद शाम को 4 बजे का टाइम होता है उदय को ट्यूशन छोड़ने का। पहले उसकी ट्यूशन पास में थी तो वो खुद चला जाता था, लेकिन अब उसकी ट्यूशन थोड़ी दूर है तो मैं ही उसे पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। 4 बजे उसे ड्रॉप करना और 5:30 पे उसे फिर से पिक करना। इसी दौरान हमारा टी टाइम भी होता है, लेकिन मैं टी नहीं पीती हूँ। समर्स में ग्रीन टी मैं ज़रूर पीती थी, लेकिन आजकल मैं फ्रूट लेती हूँ, क्योंकि मुझे कॉफ़ी लेनी होती है थोड़ी देर के बाद वर्कआउट करने से पहले। तो अभी ले रही हूँ मैं ऑरेंज और बाकी सबको मैंने चाय दे दी है। यानी कि 4 बजे से लेके 6:30 से पहले पहले मुझे अपना सारा काम ख़त्म करना होता है, जिसमें कि टी टाइम होता है, डिनर रेडी करना होता है, जो बर्तन होते हैं टी टाइम के उनको भी क्लीन कर देती हूँ। हर घर के खाने पीने और बनाने के टाइमिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन काम सेम ही होते हैं। ब्रेक से पहले मुझे क्या करना है और ब्रेक के बाद क्या और कब तक ख़त्म करना है, अगर वो टारगेट बना के काम करूँगी तो डेफिनेटली सेल्फ केयर के लिए टाइम बचेगा। खुली मूंगी की दाल चढ़ा दी है सॉल्ट टर्मरिक पाउडर और टोमेटोज डाल के, उसका तड़का रेडी करूंगी। देसी घी लिया है कढ़ाई में, उसमें डाला है मेथी सीड्स, जीरा डाला है, धनिया डाला है और साथ ही डाल दिए हैं जिंजर गार्लिक और प्याज, ग्रीन चिलीज। अब इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। दाल को तड़का लगाते वक्त इस तरह की आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही डाला है गरम मसाला और हरा धनिया। अपना डिनर रेडी करने के साथ साथ मैं स्टफ़ी का डिनर भी रेडी कर देती हूँ, उसके बाद बना देती हूँ चपातियाँ। फिर मुझे लेनी होती है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे वर्कआउट करना है, तो वर्कआउट करने से 15 मिनट पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ। और स्टफ़ी को लग रहा है कि ये मैट मैंने उसी के लिए बिछाया है और वो आराम से आके यहाँ पे बैठ गया है। ये कुछ नॉटी एलिमेंट्स हैं मेरे घर के जो मुझे वर्कआउट के दौरान परेशान करते हैं। ये मिस्टर उदय प्रताप सिंह जो मुझे फ़ोन का पासवर्ड पूछने आया है कि उसे गेम खेलनी है, ट्यूशन से आने के बाद उसे रिलैक्स करना है गेम खेलते हुए। हम में से बहुत सारे लोग विंटर्स आते ही एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है या वो बहुत ही लेजी फील करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विंटर्स में एक्सरसाइज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका टेम्परेचर और वेट दोनों कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, बॉडी को वार्म अप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज पहले करते हैं तो आपकी बॉडी जल्दी वार्म अप हो जाती है। विंटर्स आते ही अगर हम पंजीरी लड्डू जैसी चीज़ें बनाते हैं ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और बॉडी हीटअप रहे, तो ऐसी चीज़ों को खाने के साथ साथ उनको बर्न करना भी ज़रूरी होता है। घर में बना हुआ आप कुछ भी खाते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं करता जितना कि अगर बाहर का बना हुआ अनहेल्दी फूड आप खाते हैं तो विंटर्स में वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। दुनिया की किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जिस पर कम्प्लीटली हमारा कंट्रोल होता है और वो है हमारी चॉइसेस। वो चॉइसेस चाहे खाने पीने की हों या फिर एक्सरसाइज की। विंटर्स में हाइबरनेट
फिट होने के बजाय खुद को फिट और एक्टिव रखा जा सकता है। थोड़ा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, लेकिन एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। विंटर्स में हार्ट भी अच्छे से काम करता रहे, इसलिए डोंट स्किप योर वर्कआउट। ठंड की वजह से स्टार्टअप ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए पुश योर माइंड और स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद आपकी बॉडी जैसे हीटअप होती जाएगी, आपको एक्सरसाइज करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अपना वर्कआउट फिनिश करने के बाद और शावर लेने से पहले मैं वॉशरूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे नहीं कर पाती हूँ, शावर नहीं लेना होता है सुबह, तो इसलिए शाम को ही करती हूँ। क्योंकि डिनर मैंने रेडी कर दिया है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर मैं अपना सब काम कर सकती हूँ। अपना वर्कआउट मैंने कर लिया है, वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं शावर ले लूँगी। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि डिनर अभी बनना है या कि सबको डिनर करवाना है, सब लोग अपना डिनर ले लेते हैं। 7 to 7:30 के बीच में पापा मम्मा और बच्चे अपना डिनर खा लेते हैं। जब तक मैं शावर लेके नीचे आती हूँ, हस्बैंड भी आ चुके होते हैं और 8 to 8:30 के बीच में हम लोग भी अपना डिनर कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मस्ती चल रही है कि हम कैमरा में नहीं आएंगे। और ये है मेरी प्लेट जिसमें दाल है, साग है जो कल बनाया था, साथ में पापड़ लिया है मैंने, दाल और आलू मटर की सब्जी ली है हस्बैंड ने। वर्कआउट करने के इमीडिएटली बाद में प्रोटीन शेक ही लेती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड जल्दी आ गए थे ऑफिस से, इसलिए हमने सीधा डिनर ही कर लिया। और ये है मेरे बहुत ही प्रोडक्टिव डे का लास्ट काम, चॉपिंग करना। सबसे लास्ट में चॉपिंग करती हूँ मैं रात को, जब टीवी देख रहे होते हैं हम या फिर हम गपशप कर रहे होते हैं। नॉर्मली किचन में खड़े होकर चॉपिंग करना बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे, मैं कर नहीं पाती हूँ कभी भी, इसलिए ये मुझे बेस्ट वे लगता है। जो भी मुझे नेक्स्ट डे बनाना है उसके लिए 1 या 2 वेजिटेबल्स जो भी मुझे चाहिए वो मैं चॉप कर लेती हूँ। अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए पहला स्टेप जहाँ अपने दिन को अर्ली स्टार्ट करना है, वहीं एक टू डू लिस्ट भी रेडी करना होता है। अदरवाइज जो काम आप 5 to 6 आवर्स में ख़त्म कर सकते हैं उसे करने में आराम से 10 to 12 आर्ट्स लग जाएंगे। और काम करते हुए अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आई नो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और थैंक्स करती हूँ आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट का वेट रहेगा हमेशा की तरह। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।